इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के लिए रवाना और उससे पहले मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बिलासपुर और कुछ धम तरीके इस प्रकार से बचे हैं। आप कर्नाटक भी जा रहे हैं, वहाँ भी प्रचार करेंगे। 10 तारीख को राहुल जी जा रहे हैं तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। राहुल जी ने उस दिन सूरत से दिल्ली आ रहे थे तब उन्होंने कहा कि 10 तारीख को जा रहा हूँ, साथ में रहना है। प्रियंका गांधी जा रही थी, तैयारी जोर शोर से की जा रही है। हाँ, अभी 13 तारीख को उन्होंने समय दिया है, 13 अप्रैल को, और भरोसा सम्मेलन जैसे सरगांव में किए थे वैसी अब जगदलपुर में। विश्व स्वास्थ्य दिवस है आज। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जो पहले 18 के पहले जो स्वास्थ्य विभाग की हालत थी और आज की क्या अंतर आया स्वास्थ्य विभाग में? बड़ा अंतर आया है आज। देखो, छोटी सी बात है, एक ही बात से मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। पहले बस्तर में नक्सलियों के गोली से हमारे जवान जितने शहीद होते थे उससे ज़्यादा मच्छर काटने से, मलेरिया से जवानों की मृत्यु हो जाती थी। आज मलेरिया मुक्त बस्तर ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं और उसके जो परसेंटेज है पहले 4% से ऊपर था, अब वो 0.5 में आ गया है, 0.92 या 0.72 इस प्रकार से हो गया है। तो वहाँ से आप देखेंगे उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो जाती थी, वो अब सुनने को नहीं मिलता। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश से और जिला और ब्लॉक के PSC CSC से वेलनेस सेंटर से लेके हाट बाज़ार क्लिनिक योजना जो हम लोगों संचालित किया है, सभी बस्तर में ये होता था पहले डॉक्टर की मांग करते थे, आज सारे पद भरे हुए। साथ ही अनेक प्रकार के जो जांच है जिसमें हजारों रुपये लग जाता था एक एक जांच में, अब जिला अस्पतालों में जैसे में 90-110 जाँचें मुफ्त हो रही है। हमारे मेडिकल मोबाइल यूनिट है उसमें भी जांच मुफ्त हो रही है, और उसके साथ साथ जो जेनरिक मेडिसिन है प्रधानमंत्री योजना के तहत उसका उसमें लोग लाभ ले रहे हैं, करीब 100 करोड़ रुपया का लोगों को बचत हुआ इससे। दवाइयाँ भी महंगी हैं और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से लाखों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। हाट बाज़ार क्लिनिक योजना अकेले में 92 लाख लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने बड़ा काम किया है। कोरोना जैसे महामारी में भी बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ को मिली है, जो दूसरे प्रदेशों में हालात थे वो उस प्रकार की परिस्थितियाँ छत्तीसगढ़ में नहीं रही, बल्कि ऑक्सीजन हम दूसरे प्रदेशों को भी सप्लाई किया। सर, चुनावी साल है छत्तीसगढ़ में और प्रधानमंत्री का फोकस जो है छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है, पिछले 2 हफ्ते में देखें तो 2 ट्वीट, एक पहला उन्होंने PMJSY को लेकर किया था जिसमें आपकी तारीफ हुई थी अर्थात सरकार की, दूसरा मिलेट्स मिसर रायगढ़ की तारीफ हुई है मन की बात में। तो सर, अब इस तारीफ को भाजपा के नेता असहज महसूस कर रहे हैं, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो सही काम है उसकी तारीफ प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नीति आयोग कर रहे हैं और अनेक जो उपलब्धियां हैं जो हमारे जो 10 चिन्हित जिले थे जिसे सबसे पिछड़ा माना जाता था, उन जिलों में भी बहुत सारी उपलब्धियां हुई हैं, उसका भी ट्वीट नीति आयोग ने उसका समर्थन किया है, स्वागत किया है। कल भी प्रधानमंत्री ने जो उसके कार्यालय से जो ज्ञापन आया था जिसमें आवास की संख्या, उसमें गैस सिलेंडर की संख्या और आपके नल जल योजना, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं कि नल जल योजना असफल है और दूसरा कह रहे हैं आवास की स्थिति खराब है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसके लिखा है कि छत्तीसगढ़ में इतना 17 लाख लोगों को नल से जल मिल गया है, 34 लाख लोगों को आवास मिल चुका है, 35 लाख लोगों को गैस सिलेंडर मिला है, तो ये उपलब्धि बता रहे हैं। और इस उपलब्धि में राज्य सरकार की उपलब्धि भी, क्योंकि 50% पैसा राज्य सरकार का है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों में, दूसरे तरफ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग
घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। नितिन गडकरी और सोन अग्रवाल जी का एक बयान सामने, उन्होंने कहा कि महिलाओं के ऊपर छत्तीसगढ़ में अत्याचार हो रहा है, तो प्रियंका गांधी आ रही, तो महिलाओं के संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। अब आजकल बृजमोहन अग्रवाल जी को बयान देना, इसलिए बयान देते रहते हैं। डबल टारगेट दिया भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कि 2023 भी जीतने, 2024 भी जीतना। नितिन नवीन और ओम माथुर का बैठ के भी डबल टारगेट से क्या कहेंगे? अब वो टारगेट कुछ भी दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गलती से भी बन गई तो उनका धान 20 क्विंटल नहीं खरीदा जाएगा। उसको 9000 रुपये प्रति एकड़ के राजीव गांधी जो न्याय योजना है वो नहीं मिलेगा, गोधन न्याय योजना बंद हो जाएगा, वो सब जान रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी गलती से भी नहीं आई, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं जीतने देंगे भारतीय जनता पार्टी। सर, ये शंकराचार्य आए हुए हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें राम राज्य चाहिए। सर, इसी पे उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, कोई प्लानिंग है नहीं, तो ये मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाली बात है, और कुछ लोग जानबूझ के इस तरह की बात करते हैं चुनावी राजनीति। देखिए, सीधी बात यह है कि मैं उस दिन भी बात किया था जब देश के गृह मंत्री जी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि देश है वो अम्बेडकर साहब के बनाए संविधान के अनुसार चलेगा। उसके बाद ये जितने भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग हैं उनको तो अमित शाह जी घिराव कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक है ना, क्योंकि हिंदू राष्ट्र को छत्तीसगढ़ से लागू नहीं होगा या किसी और राज्य से लागू नहीं होगा, ये तो पूरे देश में लागू हो। देश के गृह मंत्री जी बयान दिए हैं तो उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले हैं। तो जो शंकराचार्य जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने भी कही। लोगों को सपना, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं राम राज आना चाहिए, जब कोई अच्छा काम हो जाता है राम राज उतर आया है, ये कहते हैं। तो एक आदर्श स्थिति है राम राज्य की, और छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में चल रही है। ये विपक्ष लगातार सड़क से लेकर सदन तक घेरने की कोशिश कर रही थी, रोजगार के मुद्दे पर, पेंशन के मुद्दे पर, आपने लगातार उनका जवाब विधानसभा के बाद दे दिया। पेंशन स्कीम को लेकर आपने एक घोषणा कर दी, उसके बाद रोजगार को लेकर आपने 25 शुरू कर दिया, तो ये किस तरीके से उनकी तमाम जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर अब खत्म होती नजर आ रही है। आवाज का मुद्दा उठाया, हमने भारत सरकार की चिट्ठी लिखी भाई कि जनगणना होगी, आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण होगा, तब तो उसको हितग्राहियों की चिन्हांकन किया जा सकेगा। उन्होंने नहीं किया तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा रहा है, और 1 अप्रैल से शुरू कर दिए हमने जो घोषणा की उसके अनुसार से, और सभी गाँव में अभी जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बेरोजगारी भत्ता है, रमन सिंह की सरकार ने 15 साल में 100 करोड़ रुपये दिए,